आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहां पे सीरीज का एक प्रॉब्लम दिया है, हम उसको सॉल्व करेंगे। यहां पे दिया है द मीन डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज, यहां पर हमें x का वैल्यूज दिया है 10, 11, 12, 13 टू 14 एंड उसी वैल्यूज का जो एक समय दिया है उसका यहां पर फ्रीक्वेंसी वैल्यूज दिया है 3, 12, 18, 12, 3। तो इसका हमें मीन डेविएशन ढूंढना है। मतलब क्या करना है, यहाँ पर पहले हमें मीन ढूंढना है और इसी वैल्यूज के ऊपर मीन डेविएशन ढूंढना है। मतलब इस पॉइंट से मीन का डिफरेंस ढूंढना है और उसका मीन वैल्यू ढूंढना है। तो इसको ढूंढने के लिए पहले हमें मीन ढूंढना पड़ेगा जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया है। तो इसको ढूंढने के लिए हमें पहले मीन का जो फॉर्मूला होता है उसको देखना पड़ेगा। तो मीन का फॉर्मूला होता है यहाँ पर, होता है 1/N सम ओवर xi fi। यहाँ पर आई क्या होगा, आई यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक, मतलब यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया कि ये एक्स आई है, एक्स आई का नंबर, ये एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव और ये ए फाइव का नंबर। मतलब एक्स वन के लिए एफ वन, एक्स टू के लिए एफ टू, ऐसा चलता रहेगा, एक्स फाइव के लिए एफ फाइव। तो यहाँ पर आई इक्वल टू 1 to 5 जाएगा। तो मतलब इन इन यहाँ पर एक साइज के साथ ए फाइव को मल्टीप्लाई करके एडिशन करना पड़ेगा, यहाँ पर समेशन होगा, फिर इन से डिवाइड करेंगे। कैपिटल एन का वैल्यू क्या होता है, कैपिटल एन, कैपिटल एन इज इक्वल टू सम ओवर आई ए फाइव। मतलब जो हमें फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिया है उसका समेशन लेंगे तो हमें कैपिटल एन मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कैपिटल एन क्या होगा, 3 and 3 6, 12 and 12 24, 24 and 6 30, 30 यानी यहाँ पर 18, तो 48 हो जाएगा। तो एन का वैल्यू यहाँ पर 48 हो गया। तो हमें इसका समेशन लेना है, मल्टीप्लीकेशन का समेशन, देन 48 से इसको डिवाइड करना है। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें क्या देगा 30, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें 12 and 12 132, 18 मल्टीप्लाइड बाई 12 दैट इज 180 प्लस 36 तो हमें 216 देगा। और यहाँ पर 130 एंड 26 156 और यहाँ पर 42, इन पांचों का यहाँ पर समेशन लेना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा 48 से। तो हमें ऊपर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 62 8 14 16 4 5 20 41 44 47 57। तो इसको हमें 48 से डिवाइड करना है, ये डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो 48 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 196, तो यहाँ पर 12। तो हमें यहाँ पर मीन वैल्यू मिला इसका 12। अब हमें मीन डेविएशन लेना है, मतलब एक इसको फॉर्मूला के हिसाब से लेते हैं। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, इसको अगर एज्यूम कर लिया कि इसका वैल्यू होगा एक्स, एक्स कैपिटल एन, तो उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा 1/N सम ओवर आई एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस वैल्यू। यहाँ पर देखना होगा, अगर हमने मॉड्यूलस वैल्यू नहीं लिया तो इसका जो डिफरेंस हो जाएगा उसका समेशन वैल्यू हमें 0 देगा। तो यहाँ पर इसको ढूंढने के लिए हमें यहाँ पर इसका मॉड्यूलस वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, उसका समेशन लेंगे फिर इन से डिवाइड करेंगे। अब हमें मीन डेविएशन लेना है, तो हर एक टर्म से जो यहाँ पर एक्स आई लिया है उससे हमें एक्स बार को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10 से हम यहाँ पर, और यहाँ पर हमने ए फाइव ऐड नहीं किया, मल्टीप्लाई नहीं किया, कि जो वैल्यूज हमें आएगा उसके साथ ए फाइव मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम वैल्यूज को लेते हैं, तो यहाँ पर 10 के साथ 12 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें क्या मिलेगा, 10 - 12 ये हमें 2 देगा। उसके साथ क्यों 2 आया, 10 - 12 एक्चुअली -2 आना था पर यहाँ पर मॉड्यूलस वैल्यू है तो 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहला टर्म हमने 6 दिया, फिर दूसरे के लिए हमें -1 आएगा तो उसका मॉड्यूलस वैल्यू 1 multiplied by 12 दैट इज 12। फिर दूसरे में हमें क्या आएगा, 12 - 12 तो 0, कुछ भी मल्टीप्लाई करे तो 0। फिर हमें 13 के साथ देखना है तो 1 multiplied by 12। फिर 14 से करेंगे तो 2 multiplied by 3 और यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो गया 40, वो सेम ही है। यहाँ पर हमें क्या मिला 6 6 दैट इज 12, तो 36 by 48 और यहाँ पर 36 by 48 क्या मिलेगा, 12 से क्रॉस अप करेंगे तो 3/4 इसका वैल्यू हो जाएगा 0.75। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन 2 में 0.75 दिया है तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।